बता सके आईटी अवार्ड में आप हंगामा करने आ गए। हाँ एक्चुअली क्या है कि इसमें एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अलग अलग जो कपल हैं वो अलग अलग प्रदेशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा सीरियल थोड़ा यूपी साइड का है उस तरह का है, तो हम लोग यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। जो भी होगा कि मैं और जो मेरे अपोजिट है अंगूरी भाभी, वो और हम जो है इसमें परफॉर्म करेंगे। लेकिन पहले शूट होगा और जो 9 तारीख को आईटा में। लेकिन आप, मुझे लगता है आपकी धारणा थोड़ी गलत है, आपकी शो यूपी वाला नहीं पूरा इंडिया का शो है, लोग सब जगह से प्यार देते हैं। यार उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सर आईटी अवार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है टेलीविजन के लिए, एक हर एक्टर को नवाजा जाता है, तो आपका शो नॉमिनेट है क्या, क्योंकि हमेशा से अवार्ड लेता रहता है हमारा शो, तो हर साल अवार्ड लेता है और हम कई बार आईटीए और जितने भी अवार्ड शोज वगैरह होते हैं उसमें हम काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके हैं, तो इस बार भी हमारा, मेरा भी नॉमिनेशन है, शिवांगी का भी है, कॉमिक राइटर का भी है और सीरियल का भी है, मतलब काफ़ी सारे नॉमिनेशंस हैं। सर बिग बॉस कितना देख रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं कोई आपको? यार मैं बिग बॉस नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि हमारे शूट जो है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, वो भी नायगांव में, उसके बाद वहाँ से चलना फिर यहाँ पर 2 घंटे, तो 11-12 तो वैसे ही बच जाते। तो हाँ मेरे घर वाले ज़रूर देखें। कौन है घर वालों की, भाभी जी की फेवरेट कौन है कुछ अगर आप बता सकें? यार इतना मेरे को उसकी, कभी आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस? मेरी फितरत वो है नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊँ, वहाँ जो थोड़ा सा जो वाद विवाद जो करना पड़ता है ना, हम अपनी पत्नी से नहीं कर पाते तो वहाँ क्या करें। हम वो उसको बोलते तू शांत हो जा भाई, तो वहाँ तो मैं शांति नहीं कर पाऊँगा किसी को। नहीं अगर भाभी जी बोली चलो आप चलो मैं भी जाना चाहती हूँ, भाभी जी को भेज दूँगा। आप जाओ भाई, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, हालांकि है बहुत बड़ा फेम है वो, बहुत ही बड़ा फेम है इसमें कोई शक नहीं है, बट जब आपकी बॉडी में वो है ही नहीं तो फिर कैसे करते, डर लगता है, डर लगता है ज़्यादा, कहीं कोई कोई मारपीट ना हो जाए वहाँ फालतू की। ओके नए साल की क्या तैयारी है कुछ अगर आप बता सके, छुट्टी में कहाँ जाने वाले भाभी जी को? हम लोग अभी, हमें अगर छुट्टी मिलती है तो हम कसौली जाना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में कसौली एक जगह है, वहाँ जाने की हमारी बड़ी तमन्ना है, तो शिमला तो कई बार जा चुके हैं, तो इस बार कसौली जाएंगे। थैंक यू।